हेलो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज कविता। आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑल राउंडर एकेडमिक क्लासेस। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक को जानेंगे जिसका नाम है लाइनिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे बिल्कुल न्यू वे से सीख रहे हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा हमारा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो लाइनिंग में फोर टाइप्स की लाइनिंग को हम देखेंगे। सबसे पहले आती है स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन और स्ट्रेट लाइन। तो वर्टिकल लाइन या स्ट्रेट लाइन जो है, सबसे पहले देखिए स्टैंडिंग लाइन। यहाँ पर जब हम एक तरह से अप टू डाउन जब हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो दिस इज़ द स्टैंडिंग लाइन। जब हम बिल्कुल नर्सरी के बच्चे को बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम थ्री डॉट्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बच्चे को कहेंगे कि आप इन थ्री डॉट्स को ज्वाइन कीजिए। जब बच्चा इन तीन डॉट्स को ज्वाइन कर लेगा, तो यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन हो जाएगी, लाइन बन जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं स्टैंडिंग लाइन। तो हम बच्चे को 1-2 पेजेस जो है वो स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही दे सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, दिस इज़ द स्टैंडिंग लाइन। अगर बच्चा सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में है, तो हम बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन, क्योंकि नर्सरी का बच्चा अभी वर्टिकल लाइन जो है वो इतना समझ नहीं पाएगा। लेकिन हम जो बड़े बच्चे हैं थोड़े, उनको हम बता सकते हैं दिस इज़ द वर्टिकल लाइन जो अप टू डाउन आ रही है। जब बच्चा इन थ्री डॉट्स को समझ जाएगा, देन हम टू डॉट्स का स्ट्रक्चर उनको दे सकते हैं। फिर बच्चा इन टू डॉट्स को ज्वाइन करके एक स्टैंडिंग लाइन को ड्रॉ कर सकता है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारे पास स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज़ द स्लीपिंग लाइन, दिस इज़ द स्लीपिंग लाइन। और स्लीपिंग लाइन को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको जब हम देंगे छोटे बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, थ्री डॉट्स लगा देंगे और बच्चे को कहेंगे कि इसको ज्वाइन कीजिए। जब बच्चा थ्री डॉट्स सीख जाएगा, देन हम उसको टू डॉट्स दे देंगे। इन टू डॉट्स को ज्वाइन करके बच्चा बहुत अच्छे से ग्रिप बना लेगा एक लाइन को ड्रॉ करने की, और ये जो लाइन मिलेगी, दिस इज़ द स्लीपिंग लाइन। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज द स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन का मीनिंग होता है जो तिरछी लाइन होती है। तो इस तरह से हम थ्री डॉट्स दे देंगे और स्टूडेंट को कहेंगे कि आप इनको ज्वाइन कीजिए। जब बच्चा इन डॉट्स को ज्वाइन कर देगा, इन डॉट्स को ट्रेस कर देगा, तो हमारे पास ये लाइन मिलेगी, एंड दिस इज़ द स्लांटिंग लाइन जो पहले यहाँ पर बनाई हुई है। दिस इज़ द लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से हमारे शुरू हो रही हैं। एंड दिस वन इज़ द राइट, दिस वन इज़ द राइट स्लांटिंग लाइन, क्योंकि ये राइट साइड से, मीन्स हमारा जो राइट साइड है वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। हम क्या करेंगे, हम थ्री डॉट्स ऐसे दे देंगे थोड़े से स्लांटिंग वे में, एंड बच्चे को कहेंगे आप इनको ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्लांटिंग लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ द कर्व लाइन। कर्व यहाँ पर जो है फोर टाइप्स के रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, दिस वन इज़ द राइट कर्व, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ओपन है इस तरफ से। तो यहाँ पर हम बच्चे को बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे लाके आगे इसको प्रोसीड करना है। और डॉटेड फॉर्म में हम थ्री डॉट्स से देंगे, बच्चा इन डॉट्स को ट्रेस कर लेगा, इनको ज्वाइन कर लेगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कर्व लाइन। और उसमें भी कौन से वाला, राइट साइड कर्व, दिस इज़ द राइट कर्व। एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट कर्व, दिस वन इज़ द लेफ्ट कर्व। हम थ्री डॉट्स इस तरह से लगा देंगे, एंड बच्चा इनको डॉट्स को ज्वाइन करके जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, दिस इज़ द लेफ्ट।
दिस इज द लेफ्ट कर्व लाइन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। एंड दिस वन इज द अपर, दिस वन इज द अपर कर्व। ये हमारे पास अपर कर्व है, ऊपर की तरफ जो कर्व है, दिस इज द अपर कर्व। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। एंड दिस वन इज द लोअर कर्व, दिस वन इज द लोअर कर्व, ऊपर और ये नीचे की तरफ। हम एक और इसमें ऐड कर सकते हैं, जब हमारे पास अपर, जब हमारे पास राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आएगा सर्कल, हमारे पास आएगा सर्कल, या इसको हम ओ भी बोल सकते हैं। जो बिल्कुल नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं या आगे हम उनको जब थोड़ा सा और सिलेबस करवाएंगे तो हम बोल सकते हैं दिस इज सर्कल। तो आज हमने पढ़ा, उसको हम फटाफट से रीकैप कर लेते हैं। आज हमने देखा स्लांटिंग लाइन, सॉरी सबसे पहला है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग मीन्स जो खड़ी हुई लाइनें हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। नेक्स्ट इज द स्लिपिंग लाइन, दिस इज द स्लिपिंग लाइन, और हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड फिर हमने देखा स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि जब हम कोई बर्थडे कैप बना रहे हैं या जब बच्चा नेक्स्ट हायर स्टडीज़ में कोन के बारे में जानेगा तो उसको पता होगा कि दिस इज़ द स्लांटिंग लाइन, दिस इज़ द लेफ्ट स्लांटिंग लाइन, दिस इज़ द राइट स्लांटिंग लाइन। ओके, तो यहाँ पर है राइट स्लांटिंग लाइन और लेफ्ट स्लांटिंग लाइन। इसके अलावा जब हम ड्राइंग में आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ करेंगे तब भी हम बता सकते हैं कि इस तरह से जो हट बन रही है यहाँ पर भी दो स्लांटिंग लाइन जो हैं वो बनाई गई हैं, जो बना रही हैं ट्रायंगल के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हमने देखा कर्व लाइन। कर्व लाइन में हमने देखा राइट कर्व, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन की तरफ, राइट साइड की तरफ प्रोसीड हो रहा है। देन हमने देखा लेफ्ट कर्व, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ है। फिर हमने देखा अपर कर्व, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। देन हमने देखा लोअर कर्व, जो नीचे की तरफ है। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनिंग को देखा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू वॉचिंग।